बीते 14 जून मंगलवार रात्रि के लगभग 12:30 बजे निमिया घाट थाना क्षेत्र के इसरी बाजार के शिवाजी नगर के समीप अपराधियों के द्वारा एक्सिस बैंक के एटीएम को क्षतिग्रस्त कर एटीएम मशीन को चुरा लिया गया था, जिसके बाद त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए घटना के चंद घंटों में ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले का उद्भेदन कर लिया है। बुधवार को पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने प्रेस वार्ता आयोजित कर मामले की विस्तृत जानकारी दी। रात्रि यानी कि 14 और 15 के बीच की जो रात्रि की 12:30 बजे की घटना रिपोर्ट की गई एटीएम सीक्वेंस टीम के द्वारा कि निमिया घाट अंतर्गत इसरी बाजार के पास एक्सिस बैंक की एटीएम को कुछ लोगों के द्वारा क्षतिग्रस्त किया जा रहा है और वहां पे एटीएम से को कट करके उसको जो वहां से चोरी करने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी सूचना तुरंत ही जिला लेवल पे सभी अधिकारी के साथ फ्लैश किया गया एवं तुरंत ही चेकिंग लगाई गई, खास करके जो NH का पैच है और उससे आसपास के जितने थाने हैं सभी को अलर्ट किया गया, सभी पदाधिकारियों को अलर्ट किया गया कि अपने अपने क्षेत्र में चेकिंग लगाएं। इसी क्रम में चोरी किए गए एटीएम के साथ एक व्हीकल इनोवा व्हीकल को ट्रेस किया गया हमारी टीम्स के द्वारा। मल्टीपल टीम्स उनको चेस कर रही थी, खास करके SDPO डुमरी एवं SDPO बगोदर के द्वारा नेतृत्व में इन चोरों को चेज किया जाने लगा और KB मोड़ के पास से 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और साथ साथ में जो ATM मशीन से जो ATM बॉक्स कट करके लेके जा रहे थे वो भी साथ में बरामद किया गया है। इनकी पूछताछ के दौरान पता चला है कि इनका 8 लोगों का ग्रुप है, जिसमें से 3 लोगों की अरेस्टिंग अब तक की जा चुकी है, बाकी लोगों की अरेस्टिंग का प्रयास किया जा रहा है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त इनोवा कार, ATM मशीन कैश के सहित एक मॉडेम, एक कटिंग मशीन, काला रंग का एयर पिस्टल, हथौड़ा, सबल इत्यादि जो ATM को डिस्ट्रॉय करने के लिए, कट करने के लिए जो सामग्री यूज़ होता है वो बरामद किया गया है। साथ साथ में 5 मोबाइल फ़ोन्स भी बरामद किए गए हैं। इनके ग्रुप के सारे मेंबर्स की पहचान की जा चुकी है। अब तक के पूछताछ में ऐसा प्रतीत होता है कि जो आसपास के थाने में या आसपास के ज़िले में जो घटनाएं हुई हैं उसमें इनकी संलिप्तता प्रतीत हो रही है, जिसके ऊपर छानबीन अभी किया जा रहा है। संभवतः कुछ एक दिनों में जो इन्वेस्टिगेशन के क्रम में इन डिटेल्स आएंगे उससे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। टीम में सम्मिलित सभी पुलिस की जवानों को, पुलिस के पदाधिकारियों को मैं बधाई देता हूं कि समय रहते ही 1 घंटे के अंदर इस घटना को रोका गया और इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की गई। जो अब तक का इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से जो पता चला है, जो एक्सिस बैंक के जो टीम आई थी थाने पे उनके द्वारा जो बताया गया है, करीबन 27 लाख की ATM में अमाउंट के आसपास बताया जा रहा है, जो कि रिकवर किया गया है सक्सेसफुली। और जो अब तक में इस तरीके की जो घटनाएं हुई हैं उस पर मैं आशा करता हूं कि आगे इस तरीके के घटनाओं पर रोक लगे।